जैसे ही तो भोजन कर रहे हो सब व्यवस्था मेरे जैसी है, फिर आप में और मुझ में अंतर क्या? तो संत उसको रथ पर बिठा करके लेकर गए कि चलो थोड़ी देर घूम कर आते। अब राजा रथ चलाने लगा स्वयं, संत बैठे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। कहा कहां जाना है? बोले और थोड़ा चलो। राजा रुका, बोले और थोड़ा चलो। और चलते गए और एक समय एक स्थान ऐसा आया कि राजा रुक गया और कहने लगा कि अब मेरी सीमा यहाँ तक थी, यहाँ से आगे मेरी सीमा नहीं है, मेरी सीमा समाप्त तो हो गई, यही मेरी सीमा, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। संत ने कहा बस तुझ में और मुझ में यही अंतर है कि तेरी सीमा है, तेरा दायरा है और मेरी कोई सीमा नहीं। मेरे जीवन में कोई दायरा नहीं, कोई बंदिश नहीं, कोई अपना पराया नहीं, है बस यही संतों का भाव होता है। संत में और एक सामान्य व्यक्ति में यही अंतर है, संत की दृष्टि में और सामान्य दृष्टि में यही अंतर है। उसके लिए पूरी दुनिया उसका घर, सभी उसके बच्चे, सब उसका परिवार, वसुधैव कुटुंब है उसका संसार। और एक सामान्य व्यक्ति केवल चार दीवारी में दो बच्चों में अपना अस्तित्व तो समेट लेता है, बस इतना ही अंतर। इसलिए देखो संतों का जीवन, यदि 56 भोग आए तो वो भी स्वीकार, और कभी कुछ न मिले तो वो भी स्वीकार। कभी राजसी वेशभूषा या रहन सहन हो तो वो भी स्वीकार, और कभी झोपड़ी में भी रहना पड़े और झोपड़ी भी ना हो तो सूखा आसमान ही चलेगा, वो भी स्वीकार। धरती पर लेटकर आसमान का बिस्तर ओढ़कर संत सो जाया करते हैं, वो संतत्व है। वाह वाह रे मौज पकड़ी गांधी, वाह वाह रे मौज पकड़ी गांधी, वाह वाह रे मौज पकड़ी गांधी।
रही